बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज जो है वो हम लेक्चर नंबर 24 में ग्रामर करेंगे। ग्रामर में जो चीज़ें हम करेंगे वो है सिमली एंड मेटाफर। तो सिमली एंड मेटाफर जो हैं ये फिगर्स ऑफ स्पीच हैं। फिगर्स कहते हैं इमेज को या हाथ के को, कोई भी तस्वीर जो आप अपने जिसकी इमेज आप अपने जहन में बनाते हैं उसे हम फिगर बोलेंगे। तो फिगर ऑफ स्पीच यानी जब हम बात कर रहे होते हैं तो हम अपने जहन में किसी चीज़ का या कोई भी चीज़ कोई नाम लेते हैं तो हम उसका हाका बना लेते हैं, और उस हाके को हम जो है या उस तस्वीर को हम किसी दूसरी तस्वीर के साथ हम तशबीह भी दे सकते हैं, और उसको हम कोई दूसरी चीज़ का नाम भी जो है वो हम दे सकते हैं। तो इसे आप क्या बोलेंगे, फिगर्स ऑफ स्पीच। तो फिगर्स ऑफ स्पीच इन्वॉल्विंग सिमली एंड मेटाफर। और फिगर्स ऑफ स्पीच जो हम आज करेंगे उसमें सिमली और हम मेटाफर करेंगे। तो ये सिमली और मेटाफर बेसिकली जो है वो ये टर्म्स पोइट्री में यूज़ की जाती हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे सिमली। सिमली की डेफिनेशन देखते हैं। अ फिगर ऑफ स्पीच इन्वॉल्विंग द कंपैरिजन ऑफ वन थिंग विद अनदर ऑफ अ डिफरेंट काइंड यूज्ड टू मेक अ डिस्क्रिप्शन मोर एम्फैटिक और क्लियर इज कॉल्ड अ सिमली। अब सिमली क्या है, फिगर ऑफ स्पीच, ये स्पीच का क्या है, फिगर है। फिगर ऑफ स्पीच क्या होते हैं, फिगर ऑफ स्पीच जो है ये लैंग्वेज होती है, जो फिगरेटिव लैंग्वेज होती है, यानी इमेजेस को या फिर आपके जहन में जो हाके या तस्वीरें बनती हैं उनको बयान करने के लिए जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है नॉन लिटरल होती है, यानी रियल नहीं होती, अफसानवी होती है ये। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फिगर ऑफ स्पीच। तो फिगर ऑफ स्पीच इन्वॉल्विंग द कंपैरिजन ऑफ वन थिंग विद अनदर ऑफ अ डिफरेंट काइंड। तो सिमली में हम क्या करते हैं कि हम एक चीज़ का मुआजना करते हैं या उसे तशबीह देते हैं एक दूसरी चीज़ से, और वो दूसरी चीज़ जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म की होगी। जैसे इंसान का मुआजना जानवर से कर दिया, या इंसान का मुआजना चांद से कर दिया। तो यानी एक चीज़ का मुआजना किया जाता है या एक चीज़ को तशबीह दी जाती है एक बिल्कुल दूसरी मुख्तलिफ चीज़ से। तो यूज़ टू मेक अ डिस्क्रिप्शन मोर एम्फैटिक और क्लियर। तो हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ से तशबीह क्यों देते हैं, सिर्फ इसलिए कि ताकि हम अपनी स्टेटमेंट को या जो हम जिस चीज़ जो चीज़ हम डिस्क्राइब कर रहे हैं उसे ज़्यादा पुरजोर और ज़्यादा वाजिया करने के लिए जो है वो हम एक चीज़ का मुआजना दूसरी चीज़ के साथ करते हैं। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, सिमली। लाइक एंड एज आर द कॉमनली यूज फॉर कंपेरिजन। वो कहता है कि सिमली में हम जो है लाइक और एज का वर्ड यूज़ करते हैं, क्योंकि लाइक और एज को हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर करने के लिए, एक चीज़ को दूसरी चीज़ से तशबीह देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल्स है आगे। नंबर वन एग्जाम्पल है दे फाउट, वो लड़े लाइक अ लाइन, एक शेर की तरह। देखें यहाँ पे उन्होंने दे यानी लोगों को तशबीह दी है किसके साथ, लाइन के साथ, यानी शेर के साथ। एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ तशबीह दी है, तो वो शेर की तरह लड़े। तो यहाँ पे फिर ये क्या होगा, ये वाला लाइक का लाइन यहाँ पे क्या होगा, सिमली होगी, क्योंकि लाइक आ गया, लाइक से भी हम पता चल रहा है कि हम मुआजना कर रहे हैं दो चीज़ों का, तो इसलिए भी इसे हम सिमली बोलेंगे। दूसरा, हमने एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ तशबीह दी है तो ये क्या होगा, सिमली। तो लाइक जो है बेसिकली इससे हमें समझ आ जाती है कि दो चीज़ों का मुआजना हो रहा है, तो हमें पता चल जाता है कि ये जो है ये सिमली है। नंबर टू पे है द फैमिली वाज एज सॉलिड एज अ रॉक, खानदान इतना सख्त था जितना के चट्टान। यानी यहाँ पे उन्होंने खानदान को फैमिली को कंपेयर किया है रॉक के साथ, चट्टान के साथ, यानी चट्टान की सख्ती के साथ, यानी चट्टान जितना सख्त है खानदान। तो यहाँ पे एज सॉलिड एज अ रॉक, एज जो है वो कंपेरिजन के लिए यूज़ हो रहा है वर्ड। तो एज सॉलिड एज अ रॉक, इतना सख्त जितना की चट्टान, तो ये क्या है, यहाँ पे सिमली है। नंबर थ्री पे आई वॉन्डर्ड, मैं घूमता रहा लॉन्ली अकेला एज अ क्लाउड, बादल की तरह, मैं बादल की तरह अकेला घूमता रहा। एज अ क्लाउड उन्होंने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है, एज अ क्लाउड यानी बादल की तरह, बादल के साथ उसने अपने आप को क्या किया है, कंपेयर किया है कि मैं बादल की तरह घूमता रहा। तो यहाँ पे एज अ क्लाउड क्या होगा, सिमली, क्योंकि इसे हम कंपेरिजन के लिए यूज़ कर रहे हैं। आगे हमारे जो नेक्स्ट टर्म है वो है मेटाफर। मेटाफर क्या है, अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ वर्ड आर फ्रेज इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट आर एक्शन टू विच इट इज़ नॉट लिटरली एप्लीकेबल। वो कहते हैं ये भी फिगर ऑफ स्पीच है, जिसमें हम क्या करते हैं कि हम एक वर्ड को या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, फ्रेज कहते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, एक वर्ड को या एक से ज़्यादा वर्ड्स को हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं ये एक ऑब्जेक्ट पे या फिर एक काम पे, किसी काम पे
या फिर किसी चीज़ पे जब हम एक लफ्ज़ को या एक से ज़्यादा लफ्ज़ों को अप्लाई कर देते हैं, यानी हम एक चीज़ को कोई दूसरी चीज़ बोल देते हैं या एक काम को कोई दूसरा काम बोल देते हैं, तो वो क्या होता है? मेटाफर टू विच इट इज़ नॉट लिटरली एप्लीकेबल। यानी एक चीज़ पे या एक अमल पे वो वर्ड्स अप्लाई करना जो सच में हकीकत में उसमें अप्लाई नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी हम उन्हें अप्लाई करते हैं, फिर भी हम उस चीज़ को कोई दूसरी चीज़ का नाम दे देते हैं, उस अमल को किसी दूसरी अमल का नाम दे देते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? मेटाफर। जबकि हकीकत में जो है हम उसे एक चीज़ को दूसरी चीज़ से जो है वो नहीं बोल सकते। एग्जाम्पल्स क्या हैं? फर्स्ट एग्जाम्पल है द कैमल इज़ द शिप ऑफ डेजर्ट, ऊंट सहरा का जहाज़ है। तो देखें यहाँ पे हमने कैमल जो है वो कभी भी शिप बहरी जहाज़ नहीं बन सकता। कैमल जो है वो बहरी जहाज़, क्योंकि कैमल बेजान चीज़ है, जानदार चीज़ है, एनिमल है। शिप जो है बेजान चीज़ है जो इंसानों ने खुद बनाई हुई है, तो हम कैमल को कभी भी बहरी जहाज़ नहीं बोल सकते। लेकिन मेटाफर में हम क्या करते हैं, हमने कैमल को शिप बोल दिया है, हमने कैमल को बहरी जहाज़ बोल दिया है सहरा का। रियल में तो वो नहीं होता, जो कैमल जो है वो बहरी जहाज़ नहीं होता, लेकिन हमने सिर्फ जो है वो यहाँ पे बोल दिया है, मुस्तआर ले लिया है तो इसलिए ये क्या होगा? मेटाफर होगा। ही वॉज अ लाइन, वो शेर था, इन द बैटल फील्ड, मैदान जंग में, वो मैदान जंग में शेर था। यहाँ पे हमने एक इंसान को क्या बोल दिया है? शेर बोल दिया है। यानी हमने एक वर्ड को, शेर को किस पे अप्लाई कर दिया है? एक ऑब्जेक्ट पे, यानी इंसान पे हमने अप्लाई कर दिया है, इंसान को हमने शेर बोल दिया है, तो ये भी क्या होगा? मेटाफर। यानी सिंपली आप ये कह सकते हैं कि जब हम एक चीज़ को कोई दूसरी चीज़ का नाम दे देते हैं सिर्फ उसकी खसूसियत को बयान करने के लिए, तो वो क्या होगा? मेटाफर होगा। अब नेक्स्ट हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे। इस प्रैक्टिस एक्सरसाइज में जो है हमें सेंटेंसेस दिए गए हैं, उनमें से हमें सिंपली और मेटाफर को अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन द सिंपली एंड मेटाफर इन द फॉलोइंग, यानी नीचे जो सेंटेंस दिए हैं उनमें सिंपली और मेटाफर को अंडरलाइन करेंगे। नंबर वन है, फातिमा इज एज वाइट एज स्नो, फातिमा इतनी सफ़ेद है जितना कि बर्फ। तो उन्होंने फातिमा के रंग को किसके साथ कंपेयर किया है? कलर को, वाइट को किसके साथ कंपेयर किया है? आइस यानी स्नो के साथ, क्योंकि बर्फ भी जो है वो सफ़ेद ही होती है। तो यहाँ पे एज वाइट एज स्नो क्या है? यहाँ पे ये सिंपली है। एज से भी हमें पता चल रहा है, जो वर्ड एज यूज़ हो रहा है यहाँ से भी हमें अंदाज़ा हो रहा है कि ये क्या है? सिंपली, क्योंकि एज को हम कंपेरिजन के लिए यूज़ करते हैं। नंबर टू है, बोलू इज़ द रुस्तम ऑफ पाकिस्तान, बोलू पाकिस्तान का रुस्तम है। अब रुस्तम कौन था? रुस्तम जो है ये फ़ारस का एक पहलवान था, जो अपनी पहलवानी की वजह से बहुत मशहूर था। तो उन्होंने जो है वो पाकिस्तान का जो आदमी है बोलू, उसको उन्होंने पाकिस्तान का रुस्तम करार दे दिया, जबकि हकीकत में बोलू रुस्तम नहीं है, उसका नाम बोलू है, वो पहलवान, लेकिन सिर्फ जो है वो भी बहुत बहादुर है, तो इसलिए उन्होंने बोलू को क्या बोल दिया? रुस्तम बोल दिया। तो यहाँ पे उन्होंने एक इंसान को दूसरे इंसान का नाम दे दिया, तो इसलिए ये क्या है? मेटाफर है। उसके बाद नंबर थ्री पे, माई फेथ इज एज फर्म एज अ रॉक, मेरा ईमान इतना मजबूत है जितना कि एक चट्टान। तो यहाँ पे उसने अपने फेथ को जो है वो चट्टान की सख्ती के साथ कंपेयर कर लिया, चट्टान के साथ उसने कंपैरिजन किया। तो यहाँ पे एज फिर्म एज अ रॉक क्या है? सिमली है, क्योंकि ये कंपैरिजन के लिए यूज़ हो रहा है, इतना सख्त जितना के चट्टान। नंबर फोर पे है, स्वात इज़ द स्विट्ज़रलैंड ऑफ अवर कंट्री, स्वात पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड है। आपको पता स्विट्ज़रलैंड एक इलाहदा मुल्क है, तो स्वात तो कभी भी स्विट्ज़रलैंड नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी उन्होंने यहाँ पे क्या किया है? स्वात को पाकिस्तान का या अपने मुल्क का स्विट्ज़रलैंड बोला है, तो इसलिए यहाँ पे द स्विट्ज़रलैंड क्या होगा? मेटाफर, क्योंकि उन्होंने एक जगह को दूसरी जगह का नाम दे दिया। आगे नंबर फाइव पे है, ही इज़ एज कनिंग एज अ फॉक्स, वो इतना चलाक है जितना कि एक लूमड़ी। यहाँ पे उसने जो है वो एज कनिंग एज अ फॉक्स, इतना चलाक जितना के लूमड़ी, उन्होंने उसकी चलाकी को किसके साथ कंपेयर किया है? लूमड़ी के साथ, क्योंकि लूमड़ी बहुत चलाक होती है, तो इसलिए यहाँ पे ये क्या है? एज कनिंग एज अ फॉक्स क्या है? सिमली है। उसके बाद नंबर फाइव पे, नंबर सिक्स पे है, अ लायन इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, अ लायन एक शेर इज द किंग, बादशाह है ऑफ द फॉरेस्ट जंगल का, शेर जंगल का बादशाह है। यहाँ पे उन्होंने शेर को क्या बोल दिया है? बादशाह बोल दिया है। तो रियल में तो शेर बादशाह नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या कहा है कि शेर को जंगल का बादशाह बोल दिया है, तो यहाँ विदा किंग क्या होगा? मेटाफर होगा। नंबर सेवन पे है, ही फाउट, वो लड़ा लाइक अ लायन, एक शेर की तरह, वो एक शेर की तरह लड़ा।
तो यहाँ पे उन्होंने उस आदमी को या उस लड़के को क्या बोल दिया है, शेर बोल दिया है उसकी बहादुरी की वजह से, कि फाउट लाइक अ लायन, शेर की तरह लड़ा। तो यहाँ पे फिर लाइक अ लायन क्या होगा, सिमली होगा। उसके बाद है नंबर एट पे, द न्यूज़ स्प्रेड, खबर फैल गई लाइक वाइल्ड फायर, जंगल की आग की तरह, खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। तो लाइक वाइल्ड फायर क्या है यहाँ पे, सिमली, क्योंकि ये कंपैरिजन के लिए, यहाँ पे वर्ड लाइक जो है कंपैरिजन के लिए यूज़ हो रहा है। किस किस के कंपैरिजन के लिए, न्यूज़ स्प्रेडिंग का कंपैरिजन किया उन्होंने वाइल्ड फायर के साथ। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, ही इज एज ग्रीडी एज अ डॉग, वो इतना लालची है जितना कि एक कुत्ता। तो कुत्ता क्योंकि बहुत लालची होता है, इसलिए उन्होंने उसे जो है कुत्ते के साथ कंपेयर कर दिया है। तो यहाँ पे एज ग्रीडी एज अ डॉग क्या है, सिमली है, क्योंकि एज आ गया है तो ये कंपैरिजन के लिए यूज़ हो रहा है। नंबर 10 पे, ही वाज एज पुअर, वो इतना गरीब है एज अ चर्च माउस, जितना के चर्च का चूहा, वो चार इतना गरीब है जितना के चर्च का चूहा। तो यहाँ पे एज पुअर एज अ चर्च माउस क्या होगा, सिमली, क्योंकि उन्होंने उसको किसके साथ कंपेयर किया है, चर्च माउस के साथ, क्योंकि वो गरीब है। नंबर 11, द टर्टल्स कम डाउन लाइक द वुल्फ ऑन द हर्ड, ततारियों ने रेवड़ पर भेड़िए की तरह हमला कर दिया। केम डाउन का यहाँ पे क्या मतलब होगा, हमला कर देना। तो ततारियों ने रेवड़ पर भेड़िए की तरह हमला कर दिया, तो लाइक द वुल्फ यहाँ पे क्या है, सिमली है, क्योंकि यहाँ पे वो ततारियों को कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ, भेड़िए के साथ, वुल्फ के साथ। नंबर 12 पे है, नेचर आ मदर, कुदरत एक माँ, इस काइंड टू ऑल, सब पर मेहरबान है। तो उन्होंने यहाँ पे नेचर को यानी फितरत को जो है वो माँ बोल दिया है, यानी एक चीज़ को दूसरी का नाम दे दिया है, तो इसलिए ये क्या है, मेटाफर है। यहाँ पे कंपैरिजन नहीं हो रहा, बल्कि उन्होंने नेचर को डायरेक्ट जो है वो माँ बोल दिया, तो फिर ये मेटाफर होगा। आगे नंबर 13 है, ही स्टूड, वो खड़ा था एज साइलेंट, इतना खामोश एज अ स्टैचू, जितना कि एक मुजस्मा या बुत, वो इतना खामोश खड़ा था जितना कि एक बुत। यहाँ पे उन्होंने उसको किसके साथ कंपेयर किया है, स्टैचू के साथ। तो यहाँ पे फिर एज साइलेंट एज अ स्टैचू क्या है, सिमली है। नंबर 14, हर आइज उसकी आंखें आर एज ब्लू, इतनी नीली हैं एज स्काई, जितना के आसमान, उसकी आंखें इतनी नीली हैं जितना के आसमान, यानी उन्होंने उसकी आंखों को किसके साथ कंपेयर किया है, स्काई के साथ। तो यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, तशबीह हो रही है, तो फिर एज ब्लू एज स्काई क्या है, यहाँ पे सिमली है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, जिसमें हमने पोएट्री की दो टर्म्स मेटाफर और सिमली के बारे में पढ़ा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।